हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन करने जा रहे हैं मई का बेस्ट 300 का पार्ट टू। तो वीडियो पूरी देखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो के अंदर। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर चैनल पर नए जुड़े तो सब्सक्राइब किया करो यार, वीडियो लाइक किया करो, ठीक है। वैसे आप लोग ढंग का रेस्पॉन्स तो नहीं दे रहे हो, फिर भी मैं ये सीरीज कंटिन्यू रख रहा हूँ। आप में से कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर नहीं कर रहा है, ना ही कमेंट कर रहा है कि कैसे क्वेश्चंस लगे आपको, ना ही वीडियो को लाइक कर रहे हो, ठीक है। बट कोई दिक्कत नहीं, मैं तो ये सीरीज कंटिन्यू रखूंगा, आप लोग अपना करो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन। उसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में अवेलेबल हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन, वायलेंट क्लासेस हैव ब्रोकन आउट इन विच स्टेट विद रेस्पेक्ट टू डिमांड ऑफ मेथी कम्युनिटी बी इंक्लूडेड इन द स्टेट्स एसटी ट्राइब लिस्ट। तो मीटी कमिटी कम्युनिटी है मणिपुर के अंदर, उसको बोल रहे हैं वहां के लोग कि हमें एसटी ट्राइब का दर्जा मिले। तो मीटी टाइप कहाँ की है? एसटी, ठीक है, सॉरी मणिपुर की है, ओके। और फर्स्ट स्टेट है एमपी जो ट्रांसजेंडर को ऐड कर रहा है ओबीसी के अंदर। ट्रांसजेंडर को ऐड कर रहा है ओबीसी के अंदर, ठीक है। विच इंडियन नेवी शिप हैज बीन डीकमीशन्ड आफ्टर 36 ईयर ऑफ सर्विसेज, विच इज ऑल्सो द फर्स्ट इंडिजिनस शिप ऑफ द इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी का पहला इंडिजिनस शिप है और 36 साल के बाद डीकमीशन कर रहे हैं इसको, तो वो है आईएनएस मगर। इसको किसने बनाया? जीआरएससी ने बनाया, गार्डन रिच शिप इंजीनियर्स लिमिटेड ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री, डायरेक्ट शिपिंग सर्विस बिटवीन टूटीकोरिन एंड विच कंट्री हैज बीन इनोग्रेटेड बाई द फ्लैगिंग ऑफ द वेसल एमएसएस गेलेना फ्रॉम वियो चिदंबराना पोर्ट, ठीक है। तो देखो, टूटी कोरिन से लेके मालदीव के बीच में अभी शिपिंग सर्विस स्टार्ट की है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। ये टूटी कोरिन से लेके मालदीव के खुलुदू फुशी माले पोर्ट तक जाएगा, ठीक है, बाय शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और इंडिया का पहला ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है गुरुग्राम के अंदर हरियाणा में, बाई टेरी बना रहा है, ठीक है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर, सरे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड एंड ऑक्सफोर्ड स्पेस सिस्टम हैव जॉइंटली अनाउंस टू लॉन्च ए लो कॉस्ट रडार सैटेलाइट स्पाई सैटेलाइट कार्बसार फॉर विच कंट्री। तो कार्बसार कौन सी कंट्री के लिए स्पाई सैटेलाइट लॉन्च हो रही है? वो हो यूके के लिए, ठीक है, ब्रिटेन के लिए, ठीक है। यूके पार्टनर कंट्री है बायो एशिया कॉन्फ्रेंस जो हैदराबाद में होने वाली, उसके अंदर पार्टनर कंट्री कौन है? यूके है, प्लस यूके चैलेंजर टू टैंक यूक्रेन को दे रहे हैं, ठीक है। और यूक्रेन के जो प्राइम मिनिस्टर है व्लादिमीर जेलेंस्की, उनको ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल अवार्ड दिया है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल अवार्ड है पोलैंड का। क्वेश्चन नंबर फाइव, द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैव साइन ए जॉइंट एमओयू विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टेशन एरिया डेवलपमेंट अलोंग मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल। तो शॉर्ट फॉर्म में प्रोजेक्ट, स्मार्ट स्मार्ट प्रोजेक्ट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर ने जीका के साथ पार्टनरशिप किया है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ, ठीक है। फोर हाई स्पीड रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, साबरमती रेलवे स्टेशन, सूरत, वीवर और थाने, ये चार बन रहे हैं, चारों के नाम याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च ए स्पेशल कैंपेन ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन मर्यादा लॉन्च किया है उत्तराखंड ने, ठीक है। और रेशम कीट बीमा, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, ये दोनों भी उत्तराखंड ने लॉन्च किया। और इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर बन रहा है चार धाम उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। और ऑपरेशन आग लॉन्च किया था केरला पुलिस ने, केरला पुलिस, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च एन ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग स्टार्ट। तो स्टार्ट किया है इसरो ने, ठीक है। और इसरो ने स्टार सेंसर है, स्टार बेरी सेंस, उसको लॉन्च किया है ऑन पीएसएलवी C55 से। इसको डेवलप किया था, डेवलप बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, ए न्यू बॉर्डर हार्ट एट भोलागंज इन सिलहेट हैज बीन इनोग्रेटेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो अभी नया बॉर्डर हार्ट बना है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। और इंडिया के अंदर ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट है मेघालय के अंदर, वहां से लेके
सिलेट बांग्लादेश तक, ठीक है। और अभी नया पोर्ट बना है डोकी लैंड पोर्ट, जो मेघालय से कनेक्ट करेगा, तमाबिल पोर्ट है बांग्लादेश का उसको, ठीक है। और ये कौन सी रिवर पे, उमन गोट रिवर पे है, ठीक है। और इंडिया बांग्लादेश के बीच में फ्रेंडशिप गैस पाइपलाइन भी थी, फ्रेंडशिप गैस पाइपलाइन 131.5 किलोमीटर की, उसमें से 5 किलोमीटर इंडिया में है, बाकी सारी बांग्लादेश के अंदर। द कोरोनेशन ऑफ किंग चार्ल्स थर्ड एंड वाइफ एंड हिज वाइफ कैमिला एज किंग एंड क्वीन ऑफ द यूके टुक प्लेस इन लंदन, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट दिस इवेंट। तो कोरोनेशन हुआ अभी किंग चार्ल्स थर्ड उनकी वाइफ का, तो उसके अंदर इंडिया की तरफ से गए श्री जगदीप धनखड़, ठीक है। और ये कहाँ हुआ, वेस्ट मिनिस्टर लंदन के अंदर हुआ है। और अभी ध्रुव फ्लीट्स हैं हेलीकॉप्टर की, उसको ग्राउंडेड कर दिया है इंडियन कोस्ट गार्ड और तीनों एयरफोर्स ने। तो ध्रुव फ्लीट्स हेलीकॉप्टर की उसको बनाया है, उसको डेवलप किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू राइस इन अ हेल्थ। तो ये बुक लिखी है कस्तूरी रेन ने, ठीक है। रिसेंटली माई लाइफ एज ए कॉम्रेड बुक लिखी है के शैलजा ने, एंड रिफ्लेक्शन बुक लिखी है नारायण वागुल ने, स्मोक एंड एशेस लिखी है अमिताभ घोष ने, स्मोक एंड एशेस ए राइटर्स जर्नी, ये इंपॉर्टेंट है अमिताभ घोष वाली बुक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, द 42nd आसियान समिट एंड रिलेटेड मीटिंग्स हैज स्टार्टेड इन लबुआ जाओ, लबुआन बाजो इट इज इन विच कंट्री। तो लबुआन बाजो है इंडोनेशिया के अंदर, तो याद रखना इंडोनेशिया के अंदर आसियान समिट कहाँ हुआ, लबुआन बाजो, ठीक है। इसकी थीम है आसियान अफेयर्स एपिक सेंटर ऑफ ग्रोथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ये बोल रहा है कि कौन सा प्लेयर बना है पहला जो आईपीएल के अंदर 7000 रन बनाए, ठीक है। तो वो है नन अदर देन विराट कोहली, किंग कोहली। और अभी रिसेंटली फास्टेस्ट 5000 रन ओडीआई के अंदर बनाए बाबर आजम, ये भी काफी अच्छे प्लेयर है, ठीक है। और अभी रिसेंट में अब होने वाली है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के अंदर कहाँ होगी, वो बुडापेस्ट में होगी हंगरी के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी, ठीक है। और इंडिया ज्वाइन कर सकता है क्लाइमेट क्लब, क्लाइमेट क्लब का इनिशिएटिव स्टार्ट किया G7 ने। G7 के अंदर 7 कंट्री कौन कौन सी है, सुजी गैब्रिफ कंट्री याद रखना है यार, क्वेश्चन अभी जब एग्जाम होगा तो आपको मैं बताऊंगा। G20 कंट्री याद रखना, G7 में कौन सी कंट्री है, आसियान में, SCO में, क्योंकि एग्जामिनर आजकल पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी G20 का मेंबर नहीं है, कन्फर्म पूछता है, ठीक है। कनाडा, US, जापान, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, तो ये है 7 कंट्री है G7 के अंदर। इंडिया मेंबर नहीं है फिर भी क्लाइमेट क्लब को ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन एयरलाइन टू ऑपरेट ए कमर्शियल वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट ऑन डोमेस्टिक फ्लाइट यूजिंग सस्टेनेबल एविएशन रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो विस्तारा है जो अपनी फ्लाइट एयरक्राफ्ट को सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल से उड़ा रहा है, ठीक है। और विस्तारा के अंदर टाटा का 51% स्टेक है, सिंगापुर एयरलाइन का 49% स्टेक, ठीक है। और ये फ्लाइट चली थी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई तक, ठीक है। और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF को कौन प्रोड्यूस करता है, तो वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, इसका हेडक्वार्टर है देहरादून के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट, जो प्रोड्यूस करता है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, ठीक है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी 2 प्लान लॉन्च किए थे, कोर्सिया एंड LTAG, ठीक है। कोर्सिया की फुल फॉर्म है कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन, एंड LTAG की फुल फॉर्म है लॉन्ग टर्म एस्पिरेशनल गोल्स। इन दोनों को इंडिया ज्वाइन करेगा 2027, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, द फर्स्ट C-295 एयरक्राफ्ट हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड इट्स मेडन फ्लाइट फॉर इंडिया, इट हैज बीन डेवलप्ड बाय विच कंपनी। तो टाटा और एयरबस की डील है C-295 एयरक्राफ्ट के लिए, ठीक है। टाटा और एयरबस मिलकर टोटल 56 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है, उसमें से 40 मैन्युफैक्चर होंगे वडोदरा के अंदर, ठीक है। और रिसेंटली 6 अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर्स हैं, ये टाटा और बोइंग मिलकर हैदराबाद में मिला है, ठीक है। और हैदराबाद में क्या है, हैदराबाद में हेडक्वार्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री रिसर्च का, भारत बायोटेक का, ठीक है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइजर टू द US प्रेसिडेंट जो बिडेन। तो जो बिडेन के पॉलिसी एडवाइजर कौन बने हैं, वो है नीरा टंडन, ठीक है। नेक्स्ट, प्रलय
के मुंडी रेलवे स्टेशन रिसेंटली इन यूज, इट इज इन विच स्टेट? तो ये ओडिशा का पहला स्टेट है, सॉरी पहला रेलवे स्टेशन है, ओडिशा का पहला रेलवे स्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट है, अभी रिसेंटली यूनेस्को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड दिया है महेंद्र कुमार जोशी को, ये ओडिशा के हैं, ओडिशा की नई स्कीम है नुआ स्कीम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, हु हैज वॉन द लॉरियस लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर? तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन का अवार्ड दिया है लियोनल मेसी को, और साथ में स्पोर्ट्स वुमेन है शेली एन फ्रेजर, ये एथलीट है जमैका से, ठीक है। और अगर टीम ऑफ द ईयर देखें तो अर्जेंटीना मेंस फुटबॉल टीम को दिया है, ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर दिया है कार्लोस अल्कारोस, टेनिस प्लेयर है स्पेन के, कम बैक ऑफ द ईयर दिया है क्रिस्टियन एरिक्सन, ये फुटबॉलर है डेनमार्क के। एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स पर्सन विद अ डिसेबिलिटी, ये दिया है कैथरीन डी ब्रनर को, ये स्विट्जरलैंड के प्लेयर, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑर्गेनाइज्ड 36th सिसो डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली? डीप डाइव न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने, ठीक है, और ये पार्ट ऑफ साइबर सिक्योर साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव के अंडर किया है। 36 सिसो डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने किया था, और ये पार्ट है साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव। क्वेश्चन नंबर 19, विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड डिजिटल हेल्थ कार्ड फॉर चिल्ड्रन? तो यूपी ने स्टार्ट किया है, ठीक है, अभी नासा और आईबीएम के साथ पार्टनरशिप हुई है, ठीक है। तो क्या करेगा, जो कन्वर्ट करेगा सैटेलाइट डाटा जो देगा नासा, उसको हाई रेजोल्यूशन मैप से मैप के अंदर कन्वर्ट करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईबी का एआई प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है वोटसन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, थर्ड थर्ड ऑफ द थैलेसीमिया बाल सेवा योजना हैज लॉन्च इन न्यू दिल्ली, दिस प्रोजेक्ट इज सपोर्टेड बाई विच कंपनी अंडर इट्स सी एस आर एक्टिविटीज? सी एस आर एक्टिविटी के अंदर थेले सीमिया बाल सेवा योजना तो ये कर रहा है, इसको जो सपोर्ट कर रहा है वो कोल इंडिया लिमिटेड है, ठीक है। वो केरला पहला स्टेट है जो लॉन्च कर रहा है उसकी ओन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फॉर हायर एजुकेशन, तो हायर एजुकेशन के लिए इसका ओन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग लॉन्च कर रहा है केरला। केरला पहला स्टेट है जिसने वाटर बजट लॉन्च किया है, केरला भी बहुत ज्यादा न्यूज में था रिसेंट में, प्लस केरला की पुलिस ने ऑपरेशन आग भी लॉन्च किया, ठीक है। पहला स्टेट है जो अपनी रैंकिंग लॉन्च कर रहा है हायर एजुकेशन के लिए, सीधी सी बात ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विल डिक्लेयर तुंगनाथ टेम्पल एज ए मोन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, इट इज इन विच स्टेट? ऑब्लिगेटरी उत्तराखंड के अंदर है, रुद्रप्रयाग के अंदर है तुंगनाथ टेम्पल, ठीक है, और सबसे हाईएस्ट है लॉर्ड शिवा का टेम्पल ये। क्वेश्चन नंबर 22, विच हैज लॉन्च द एंडिंग लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम? तो सक्षम किसने लॉन्च किया, ये लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया है, ठीक है। सक्षम की फुल फॉर्म स्टिमुलेटिंग एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, रिसेंटली नई बुक आई है मेड इन इंडिया 75 ईयर ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ये बुक लिखी है अमिताभ कांत ने, ठीक है। 75 ईयर ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज लिखी है अमिताभ कांत, स्मोक एंड एशेज लिखी है अमिताभ घोष ने, कंफ्यूज मत होना। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल इंटरलैंड टू रायसीना हिल्स का शुरू रहने। क्वेश्चन नंबर 24, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनोग्रेट द इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 इन विच स्टेट? न्यू दिल्ली के अंदर किया है इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो हो रहा है अभी, उसका मैस्कॉट है प्रीहिस्टोरिक डांसिंग गर्ल, जिसको चन्न पटना टॉय से कर्नाटका से उसके अंदर बनाया है, ठीक है, उसके द्वारा बनाया है। क्वेश्चन नंबर 25, विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट राइट टू वॉक? तो राइट टू वॉक स्टार्ट किया पंजाब ने, ठीक है, सीएमडी योगशाला भी पंजाब ने की है, पंजाब है हरियाणा हाईकोर्ट पहले हाईकोर्ट है जिन्होंने चैट जीपीटी को यूज करने का ऑर्डर दिया है, ठीक है। और तेलंगाना ने स्टार्ट किया लेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्रोग्राम, प्लस तेलंगाना पहला स्टेट है जिसने फुल रूफ पॉलिसी स्टार्ट की, फुल रूफ पॉलिसी है। क्वेश्चन नंबर 26, डीआरडीओ एंड विच इंस्टीट्यूशन हैज सक्सेसफुली डेवलप ए न्यू सेंसर टेक्नोलॉजी फॉर अंडर वाटर कम्युनिकेशन?
अंडर वाटर कम्युनिकेशन के लिए डीआरडी और आईटी मद्रास ने पार्टनरशिप की है, ठीक है, उन्होंने डेवलप किया है, न्यू सेंसर टेक्नोलॉजी बनी है जो अंडर वाटर कम्युनिकेट कर पाए, ठीक है। अभी आईटी मद्रास ने आर्ट सेंस भी बनाया है जो क्या करेगा, जो अर्ली स्क्रीनिंग करेगा फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए स्क्रीनिंग के लिए आर्ट सेंस बनाया है, ओके। और आईबीएम का क्वांटम नेटवर्क है ना, वो ज्वाइन करेगा आईआईटी मद्रास को, ठीक है। आईआईटी मद्रास कैंपस सेटअप करने जा रहा है तंजानिया के अंदर, तंजानिया की कैपिटल करेंसी टीडीएस, तंजानिया डोडोमा शिलिंग। क्वेश्चन नंबर 27, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लेड द फाउंडेशन ऑफ लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इंडिया लीगो एट हिंगोली, इट इज इन विच स्टेट, तो हिंगोली के अंदर लीगो का सेटअप किया है, फाउंडेशन स्टोन रखी है 5800 करोड़ के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे फिजन मोलिब्डेनम 99 प्रोडक्शन फैसिलिटी, इसका भी फाउंडेशन स्टोन रखी है, ये रखी है ट्रॉम्बे कैंपस ऑफ बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, फर्स्ट बैच ऑफ इंडिजिनस ALS-50 वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग लोइटरिंग म्यूनिशन हैज बीन रिसीव्ड बाय इंडियन एयरफोर्स, इट हैज बीन डेवलप्ड बाय विच कंपनी, तो इसको डेवलप किया है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने, ठीक है। और अभी लोइटरिंग म्यूनिशंस 30 mm डेवलप किया है इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड नागपुर ने भी, और उन्होंने नागसर से भी डेवलप किया है। क्वेश्चन नंबर 29, द पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड PESB हैज रिकमेंडेड द नेम ऑफ द हु एज द नेक्स्ट CMD ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नेक्स्ट CMD बन रहे हैं परमिंदर चोपड़ा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना इन्होंने किसको रिप्लेस किया। 13th नवरत्न कंपनी है रेल विकास, ठीक है। न्यू चेयरमैन कौन बने अभी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के, तो वो रथेंद्र रमन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, इंडिया पोस्ट एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CIT एंड ट्रिप्टा टेक्नोलॉजी हैव क्रिएटेड विच पोर्टल, तो इन्होंने भारत ई मार्ट बनाया है, इंडिया पोस्ट CIT और ट्रिप्टा टेक्नोलॉजी ने भारत ई मार्ट बनाया है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का लॉजिस्टिक इंडेक्स आया था, इसमें इंडिया 38 पे, पहले इंडिया 44 पे था, टॉप पे सिंगापुर, सेकंड नंबर फिनलैंड है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सेटअप करी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इन्फेक्शियस डिजीज एंड पेंडेमिक प्रिपेयरनेस एट हैदराबाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, तेलंगाना CM के चंद्रशेखर राव हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द हरे कृष्णा हेरिटेज टॉवर इन विच सिटी, तो हरे कृष्णा टॉवर बन रहा है हैदराबाद के, ठीक है। और काकाटिया रुद्रेश्वर टेम्पल भी तेलंगाना के अंदर है, हैदराबाद के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री स्टडीज का हेडक्वार्टर भी है। विच स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च द ट्रॉपिक्स मिशन, टाइम रिजोल्व ऑब्जर्वेशन ऑफ पार्टिसिपेशन स्ट्रक्चर एंड स्टॉर्म इंटेंसिटी विद कंसलेशन ऑफ स्मॉल सेट्स, तो आपको फुल फॉर्म याद नहीं रखनी, आपको याद रखना टॉपिक्स मिशन नासा का है बस, ठीक है। नासा ने अभी टेम्पो मिशन भी लॉन्च किया, इंजीनियरिटी हेलीकॉप्टर भी, ये सब नासा के हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू हैज लॉन्च द ट्रेलर ऑफ द फर्स्ट एवर मूवी इन टेगिन लैंग्वेज लव इन 90s, टेगिन लैंग्वेज इज मेनली स्पोकन इन विच स्टेट, तो टेगिन लैंग्वेज का पहला ट्रेलर लॉन्च किया किरण रिजिजू ने, ठीक है। और किरण रिजिजू के पास लॉ मिनिस्ट्री थी तो इनको हटा दिया, इनको भी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस दे दी है, ओके। ये थोड़ा आगे बढ़ेंगे अपन, तो उसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश के अंदर टेगिन लैंग्वेज बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नए CMD कौन बने LNT, तो क्वेश्चन ये आएगा कि SN सुब्रमण्यन CMD बन गए हैं LNT के, इन्होंने किसको रिप्लेस किया, तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्होंने रिप्लेस किया M नायक को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर अप्रैल, तो अप्रैल के लिए ICC प्लेयर कौन बने हैं, फखर जमान पाकिस्तान के, ठीक है। और अभी मेंस इंडिया बैडमिंटन ओपन हुआ था, उसको जीता है मेंस के अंदर बैडमिंटन ओपन पुनलावत विस्ती शरण थाईलैंड के हैं, वुमेन्स की बात करें तो वो जीता है NCU साउथ कोरिया के। क्वेश्चन नंबर 36, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ऑल इंडिया रेडियो विल एक्सक्लूसिवली नोन बाई विच नेम, तो ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कर रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 37, रिसेंटली भी बुक लिखी है, उसका नाम है द इंडियन मेट्रोपोलिस द डिकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेस, तो इंडिया का जो अर्बन स्पेस है उसको डिकंस्ट्रक्शन कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए इंडिया मेट्रोपोलिस बुक लिखी है,
फिरोज वरुण गांधी ने, ठीक है। रिसेंटली मेड इन इंडिया 75 ईयर ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज लिखी अमिताभ कांत ने, और स्मोक एंड एशेस लिखी अमिताभ घोष ने। क्वेश्चन नंबर 38, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द पोषण भी पढ़ाई भी कैंपेन? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया, ठीक है, जिन्होंने पोषण अभियान भी लॉन्च किया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद के अंदर है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने मिलकर सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया था, ठीक है। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द हरित सागर द ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस 2023? तो हरित सागर लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, ठीक है। अभी रिसेंट में अवार्ड दिए थे, बेस्ट एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस अवार्ड फॉर द ईयर 2022-23। तो बेस्ट एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस अवार्ड दिया है दीनदयाल पोर्ट, कांडला पोर्ट गुजरात के अंदर है, यहाँ से 60 किलोमीटर ही है। और सेकंड है बेस्ट पोर्ट फॉर ओवरऑल एनुअल परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट पोर्ट है, वो है पारादीप पोर्ट ओडिशा पोर्ट, ठीक है। और अभी गवर्नमेंट का टारगेट है जो ग्रीन ट्रक ट्रांजिशन है, उसमें जितने भी इंडिया के 13 मेजर पोर्ट है उनका 100% ग्रीन पोर्ट बनाना है 2025 तक, और 50% ग्रीन ट्रक यूज करनी है बाय ऑल द पोर्ट बाय 2030। जितने भी 2030 तक पोर्ट होंगे ना उनको 50% ग्रीन बनाना है, ठीक है, 2030 तक, और 100% ग्रीन पोर्ट करना है 2025 तक 13 मेजर पोर्ट को, दोनों अलग अलग बात है, ठीक है। दूसरा टारगेट है रिड्यूस करना है कार्बन CO2 इमिशन को पर टन ऑफ कार्गो बाय 30% बाय 2030, ओके। ए ट्रायल रन ऑफ ब्लड बैग डिलीवरी बाय ड्रोन हैज बीन सक्सेसफुली कंडक्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन अंडर इट्स आई ड्रोन इनिशिएटिव? तो अभी ICMR के अंडर ये जो ब्लड बैग है ना उसको भी ड्रोन के थ्रू कंडक्ट करवा रहे हैं, ठीक है, उसका ट्रायल करवाया अभी ICMR ने। अब ICMR से आप ICCR से कंफ्यूज मत होना, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंडर आता है, ठीक है। और इन्होंने अभी लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज लॉन्च किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसलिए मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। विच कंट्री ऑब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस टू इंट्रोड्यूस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM ट्रांजिशनल फेज फ्रॉम अक्टूबर 2023, ठीक है। तो CBAM लॉन्च किया यूरोपियन यूनियन ने, यूरोपियन यूनियन ने माइका भी किया है, मार्केट इन क्रिप्टो एक्ट फिट फॉर 55B यूरोपियन यूनियन का, रिड्यूस कार्बन इमिशन बाय 55% तक, कार्बन इमिशन को रिड्यूस करना है बाय 2030 तक एज कम्पेयर टू 1990 लेवल। तो 1990 लेवल याद रखना, ये पूछ लेंगे क्वेश्चन टफ बनाएंगे तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, जन सुरक्षा स्कीम्स, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, इनको 8 साल हो गए हैं, इनको कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इनकी डिटेल अभी नहीं बताऊंगा, अलग से बता दिए, ठीक है, वो अलग से पढ़नी है तो आप बताना कमेंट सेक्शन में गवर्नमेंट स्कीम। शांति निकेतन हैज रिकमेंडेड फॉर द इंक्लूजन इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, इट इज इन विच स्टेट? शांति निकेतन वेस्ट बंगाल के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 44, हाउ मच परसेंटेज ऑफ विलेज इन इंडिया हैव अचीव्ड ODF प्लस स्टेटस इन फेज टू ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण? तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चला रहा है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इसमें 50% अचीव कर दिया है ODF प्लस स्टेटस फेज टू के अंदर, ठीक है, विलेज, ओके, हाईएस्ट नंबर ऑफ ODF प्लस वो है तेलंगाना है। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज नोटिफाइड द लोवरिंग ऑफ थ्रेशोल्ड ऑफ ई इनवॉइसिंग टू हाउ मच अमाउंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ई इनवॉइसिंग की जो लिमिट है, पहले 10 करोड़ थी, उसको 5 करोड़ कर दी, ठीक है, ये 1 अगस्त 2023 से लागू हो जाएगी, ठीक है। और अभी CGT MSC के अंदर जो गारंटी कवर है वो कितना कर दिया है? 5 करोड़ कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, सिक्स इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रही है 2023 के अंदर? वो हो रही है बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। इंडिया बांग्लादेश के बीच में फ्रेंडशिप गैस पाइपलाइन भी है, फ्रेंडशिप ब्रिज, फ्रेंडशिप यहाँ पे देखो उसको काटना पड़ेगा, फ्रेंडशिप गैस पाइपलाइन है, ब्रिज नहीं है, ठीक है। उसमें से 5 किलोमीटर इंडिया में है, 126.5 बांग्लादेश के अंदर। क्वेश्चन नंबर 47, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ नेशनल MSME काउंसिल वाज हेल्ड इन विच सिटी? तो नेशनल MSME काउंसिल की मीटिंग हुई है न्यू दिल्ली के, लीन स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ MSME की है। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च द लॉन्च ऑफ इनोवेटिव फाइनेंस फैसिलिटी फॉर क्लाइमेट इन एशिया एंड द पैसिफिक प्रोग्राम? तो IFCAP लॉन्च किया ADB ने, ठीक है। इंडिया का ADB के अंदर 6.3% स्टेक है। 56th एनुअल मीटिंग ऑफ ADB हुई है इंचियोन साउथ कोरिया के अंदर। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप कहाँ होगी? बुसान साउथ कोरिया के अंदर। जिम्बाब्वे
के अंदर अभी वर्ल्ड कप 2023 के क्वालिफायर भी जिम्बाब्वे के अंदर हो रहे हैं। तो जिम्बाब्वे पहली कंट्री है जिसने लॉन्च किया गोल्ड बैक डिजिटल करेंसी, ठीक है, नॉन अलाइन मूवमेंट 2023 और 23 से लेकर 25 तक युगांडा के अंदर होगा। और वाराणसी का भी तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट मिस्टर एस जयशंकर ने युगांडा के अंदर लॉन्च किया है, ठीक है। और गुजी ब्रिज भी एस जयशंकर ने ही लॉन्च किया है, वो है इनोग्रेट किया है, वो किया मोजेम्बिक के अंदर। आरबीआई इज अनाउंस द लॉन्च ऑफ 100 डेज 100 फेस कैंपेन, इट इज रिलेटेड टू। तो बहुत सारे ऐसे अकाउंट है अभी जो 10 10 साल से बैंक के अंदर पड़े हैं और उसमें डिपॉजिट है और अकाउंट वो डोरमेंट हो गए हैं। तो आरबीआई ने यही बोला है कि आप उनको कस्टमर को फोन करो और उनको बताओ, और जो भी अनक्लेम्ड बैंक डिपॉजिट है उसके लिए 100 डेज 100 फेस कैंपेन लॉन्च किया है, और ये 1 जून 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए सीईओ को कौन बने ट्विटर के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिंडा यकारिनो बने, ठीक है, इन्होंने रिप्लेस किया है इलोन मस्क को, ठीक है। इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन ने पार्टनरशिप की है पर्ड्यू यूनिवर्सिटी यूएसए के साथ, किसके लिए इन्होंने पार्टनरशिप की है, फॉर रिसर्च एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इन सेमीकंडक्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, विच कंपनी हैज डिस्कवर्ड क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस इन टू ब्लॉक्स इन मुंबई ऑफशोर विच हैव बीन नेम्ड अमृत एंड मूंगा। तो अमृत एंड मूंगा डिस्कवर्ड किसने किए हैं, दो ब्लॉक्स मुंबई ऑफशोर के अंदर, तो ये किया है ONGC ने, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। एंड पहला इंडिया यूरोपियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल हुए ब्रुसेल्स के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल कहाँ हुआ, ब्रुसेल्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड ए $82 मिलियन डॉलर लोन टूवर्ड्स द एडॉप्शन ऑफ ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट एंड टू प्रिवेंट जूनोटिक डिजीज इन इंडिया, ठीक है। तो इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने 82 मिलियन डॉलर का लोन दिया है। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को $2 बिलियन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए हैं। आयुष्मान खुराना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर बने इंडिया कंटिजेंट इन द स्पेशल ओलंपिक कोरा फॉर इंडिविजुअल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी 2023 बर्लिन जर्मनी के अंदर। तो क्वेश्चन पहला तो ये कि स्पेशल ओलंपिक फॉर इंडिविजुअल के लिए कहाँ हो रहा है विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ, तो वो रहे बर्लिन जर्मनी, उसके एम्बेसडर है आयुष्मान खुराना, और गुच्ची के अभी ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट बनी है। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू हैव ए रीडिंग लॉन्च, इट इज इन विसिटी। तो रीडिंग लॉन्च है, पहला एयरपोर्ट बना है वाराणसी के अंदर। और चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है लखनऊ के अंदर, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2023 के अंदर उसका मैस्कोट है, और ये यूपी में हो रहा है, मैस्कोट है जीतू, जीतू है स्वयं डियर बारा सिंगा। क्वेश्चन नंबर 54, विच कंपनी हैज अनाउंस्ड द ग्लोबल लॉन्च ऑफ इट्स एआई चैटबॉट बार्ड इन ओवर 180 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। तो बार्ड है गूगल का, ठीक है। अभी रिसेंटली मोनलाम चेनमो फेस्टिवल है लद्दाख के अंदर मनाया, ठीक है, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हटा दो इसको। क्वेश्चन नंबर 56, इंडिया फिनिश विद 3 ब्रॉन्ज मेडल एट द 2023 आईबीए मेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, इट वॉज हेल्ड इन विच कंट्री। तो आईबीए मेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप हो रही है उज्बेकिस्तान के अंदर, इंडिया ने 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, किस किसने जीता है, दीपक बोरिया, मोहम्मद हुसामुद्दीन और निशान देव। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं निशान देव कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित है, क्योंकि रिसेंट में ही न्यूज में रहे हैं, भले ब्रॉन्ज मेडल जीता है फिर भी, ठीक है। आईएनएस गरुड़ नवल एयर स्टेशन हैज कंप्लीटेड 70 ईयर ऑफ सर्विसेज, इट इज बेस्ड इन विच सिटीज। आईएनएस गरुड़ है नेवल एयर स्टेशन कोची के अंदर है, आईएनएस मगर, ठीक है, इसको 36 साल हो गए, इसको डीकमीशन किया है, इसको जीआरएससी ने बनाया, ठीक है। बेस्ट इंडिया एयरपोर्ट ऑन टाइम परफॉर्मेंस ग्लोबली इन मार्च 2023 बाई सीरियम, तो वो है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, द लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप PLC हैज अनाउंस टू सेटअप टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन विच सिटी ऑफ विंस विच सिटी। तो लंदन स्टॉक एक्सचेंज वो टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रही है हैदराबाद के अंदर, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री रिसर्च का हेडक्वार्टर हैदराबाद, भारत बायोटेक हैदराबाद, बायो एशिया कॉन्फ्रेंस हैदराबाद, कुची के ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट। 5th edition ऑफ ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल 2023 विल बी हेल्ड इन विच स्टेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5वां edition है ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल, तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर हो रहा है, ठीक है।
और अब बात करें, इसको ऑर्गेनाइज किया सेंटर फॉर इनोवेशन इन साइंस एंड सोशल एक्शन, थीम है इमर्जिंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर एंड रिसर्जेंट आयुर्वेदा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 कि कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है संचार साथी पोर्टल, तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने क्या किया है, एक कमेटी बनी है डिजिटल कंपटीशन लॉ के ऊपर, उसके हेड है मनोज गोयल। ठीक है, और आरबीआई ज्वाइन करने जा रहा है ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क GFIN, ग्रीन वॉशिंग टैक्स प्रिंट को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, ए ग्रुप क्रिएटेड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर फॉर डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मार्केट इन इंडिया हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, हु इज द चेयरमैन, तो एक कमेटी बनाई है जो डेवलप करेगी इलेक्ट्रिसिटी मार्केट को इंडिया के अंदर, उसके हेड है आलोक कुमार। ठीक है, रिसेंट में और भी कमेटी बनी है रोल ऑन रोल ऑफ फेरी सर्विस के ऊपर, उसके हेड एसके मेहता। फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ इंडिया है सांची, रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, एमपी के अंदर। फर्स्ट सोलर विलेज मोटेरा विलेज है मेहसाना के अंदर। क्वेश्चन नंबर 62, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल फ्लैग ऑफ ओडिशा फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन फ्रॉम विच सिटी, तो ये पुरी से लेके हावड़ा तक जाएगी वेस्ट बंगाल, इंटर कॉन्टिनेंटल का 2023 ओडिशा के अंदर होगा। डेब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट हो गई, ये भी ओडिशा के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 63, फोर्थ पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट ऑफ 928 आइटम्स हैज बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, इट इज रिलेटेड टू विच सेक्टर, तो 928 आइटम का इंडिजिनाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ने अप्रूव दे दिया है कि हम इंडिया में ही बनाएंगे, तो वो है डिफेंस से रिलेटेड। ठीक है, इफको का भी नैनो डीएपी कहाँ का बन रहा है, कलोल कांडला पारादीप के अंदर। बेस्ट पोर्ट इन ओवरऑल एनुअल परफॉर्मेंस, तो वो है पारादीप पोर्ट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने सेटअप किया है द सेंट्रल ऑफ फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट, तो सीपीएस कुल मिला के कोई भी अगर स्टार्टअप है उसको बंद करना है तो सीपीएस के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, और ये सीपीएस कहाँ है, ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है मानेसर हरियाणा के अंदर, वहाँ है। ठीक है, पहले स्टार्टअप बंद करने के लिए 2 साल लगते हैं तो बहुत टाइम लगता था, अब स्टार्टअप को अगर बंद करना है तो 6 मंथ का प्रोसेस है। सेकेंड लास्ट स्लाइड, विच कंट्री हैज अनाउंस टू रिनेम कालिनी ग्रेड एज प्रोलिवियक, तो ये पोलैंड ने किया है। ठीक है, पोलैंड का ही ऑर्डर ऑफ वाइट ईगल दिया है यूक्रेन के व्लादिमिर जेलेंस्की को। ठीक है, 76 कैंस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 फ्रांस के अंदर हो रहा है, इंडिया की तरफ से गए अल मुरुगन। ठीक है, हु हैज बीन प्रेजेंटेड द फर्स्ट ए एस आई गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो ASI गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है प्रोफेसर जयंत वी नार्लिकर ने। ठीक है, और अच्छी अभी अडेप्ट कर सकता है इंडिया प्रपोजल फॉर डेवलपिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 इंपॉर्टेंट है, सीबीआई के नए चेयरमैन डायरेक्टर कौन बन रहे हैं, प्रवीण सूद। इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, सुबोध कुमार जायसवाल को। द एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 कहाँ होगी, वो होगी साउथ कोरिया बुसान के अंदर। फोर्थ एडिशन हुआ है अभी समुद्र शक्ति एक्सरसाइज 2023 के अंदर, इंडिया इंडोनेशिया के बीच में समुद्र शक्ति हुई बातू, अम्फार पोर्ट है बातम के अंदर। ठीक है, इंडिया की तरफ से INS करवती गया। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का होगा वेस्ट मिडलैंड यूके के अंदर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, 82nd इंडिया का चेस ग्रैंड मास्टर कौन बना है, वो पल्ला प्रणीत बने हैं। ठीक है, ISF वर्ल्ड कप 2023 बाकू अजरबैजान के अंदर हो रहा है। ठीक है, और इसके अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 25 मीटर पिस्टल के अंदर, वो है रिदम सांगवान ने बनाया है। ठीक है, वीडियो कैसी लगी यार बताया करो यार, और वीडियो करंट अफेयर पढ़ो अभी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।